दोस्तों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसी ही सेम स्टोरी रही है टॉलीवुड के टॉप रेटेड कॉमेडियन ब्रह्मानंदन की। टॉलीवुड की मूवीज ब्रह्मानंदन की कॉमेडी के सिवा तो जैसे अधूरी है। ब्रह्मानंदन को टॉलीवुड मूवीज का किंग भी माना जाता है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मानंदन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ब्रह्मानंदन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रह्मानंदम का जन्म 1 फरवरी 1956 को सत्यनापली आंध्र प्रदेश में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 60 साल। ब्रह्मानंदम ने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन सत्यनापली के हाई स्कूल से की है और इन्होंने डीएनआर कॉलेज भीमवरम से एमए किया है। ब्रह्मानंदम को एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था और इसी कारण उन्होंने एक्टिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगे। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जब अपने गांव सत्यनापली के एक कॉलेज में मैथ्स टीचर थे, तब उनको दोबारा एक्टिंग करने का शौक हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपना मन बना लिया कि वे टीचिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी अपना कैरियर बनाने की कोशिश करेंगे, और जिसमें आगे चलकर वे सफल भी हुए। ब्रह्मानंदम पेशे से एक एक्टर, प्लेबैक सिंगर और कॉमेडियन है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम के कैरियर के बारे में। ब्रह्मानंदम ने अपने कैरियर की शुरुआत टीचिंग से की थी। वे सत्यनापली के एक कॉलेज में मैथ्स टीचर थे। टीचिंग के दौरान इन्हें एक्टिंग में अपना लक आजमाने का ख्याल आया और टीचिंग के साथ साथ इन्होंने मूवीज में रोल के लिए ऑडिशन भी देना स्टार्ट कर दिए। बहुत साल मूवी के ऑडिशन लाइन में धक्के खाने के बाद आखिरकार 1986 की मूवी शांता भाई में ब्रह्मानंदम को एक छोटा सा रोल मिला और इस तरह इन्होंने टॉलीवुड में अपना कैरियर स्टार्ट किया। ब्रह्मानंदम की पहली ही मूवी में अच्छी एक्टिंग के कारण बहुत सारे डायरेक्टर्स इनकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुए और इन्हें हर रोज किसी न किसी मूवीज के ऑफर आते ही रहते थे, और बस यहाँ से इनका टॉलीवुड में सक्सेस का सफर स्टार्ट हुआ। टॉलीवुड के जाने माने एक्टर चिरंजीवी भी इनकी एक्टिंग से इतने इम्प्रेस हुए कि 1987 में इन्होंने ब्रह्मानंदम के साथ पासीवादी प्रणम मूवी में काम किया। दोस्तों यूं तो ब्रह्मानंदम को हर मूवी में सपोर्टिंग रोल मिलता है, लेकिन फिर भी मूवीज में इनके रोल को हीरो के रोल से ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके चलते वे टॉलीवुड के छोटे से लेकर बड़े सुपरस्टार तक के साथ काम कर चुके हैं। 2013 की रिलीज होने वाली फिल्म अत्यंत की दरिद्री में भी ब्रह्मानंदन ने कॉमेडियन का रोल प्ले किया था और ये मूवी बड़े पर्दे पर आते ही सुपरहिट साबित हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ का बिजनेस किया था। ब्रह्मानंदम अपनी अच्छी कॉमेडी के कारण आज भी टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड कॉमेडियन हैं, और इस बात से हम उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने टैलेंटेड एक्टर हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 1000 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है, जिसके कारण इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारी हिट मूवीज की हैं, जैसे अत्यंत की दरिद्री, ब्रूस ली द फाइटर, लोकियम, द रिटर्न ऑफ रेबल और राउडी बादशाह। दोस्तों आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद आई है हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इनके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम के अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों 2009 में ब्रह्मानंदम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, और इसके अलावा भी इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं ब्रह्मानंदम की फैमिली से। ब्रह्मानंदम की बीवी का नाम है लक्ष्मी। ब्रह्मानंदम के दो बेटे हैं जिनके नाम है राजा गौतम और सिद्ध। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम की इनकम की। ब्रह्मानंदम एक मूवी करने के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ब्रह्मानंदम किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और इसके अलावा ब्रह्मानंदम ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है, इनसे भी इनकी अच्छी इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम की नेटवर्थ की। ब्रह्मानंदम की नेटवर्थ है 320 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम के घर की। ब्रह्मानंदम अपनी फैमिली के साथ जुबली हिल हैदराबाद में रहते हैं, और इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रह्मानंदम की कार्स कलेक्शन के बारे में। ब्रह्मानंदम को लग्जूरियस कार्स रखने का बेहद शौक है। ब्रह्मानंदम की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 10 करोड़ से भी ऊपर है। इनके पास एक ऑडी R8 है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। इनके पास एक ऑडी Q7 भी है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। तो ये थी ब्रह्मानंदम की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप ब्रह्मानंदम के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक,
और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस साउथ एक्टर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.